सोचा था रनों का धमाका होगा, लेकिन सुतली बम निकले रोहित के स्काई, जिसके लिए कप्तान ने की सबसे बड़ी लड़ाई उसी स्काई ने वर्ल्ड कप में ना कटाई। बल्ले से एक भी मैच नहीं जिताया तो क्यों बोलते हो खुद को 360 डिग्री भाई। खेल लिया करियर का आखिरी वनडे, अब होने वाली है टीम से विदाई। जी हाँ, स्काई को मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है। अब उनकी वनडे टीम से विदाई होने वाली है। जिसको एटम बम का धमाका समझा वो तो सुतली बम बनकर रह गए। रोहित शर्मा ने जिसके लिए लड़ाई लड़ी वो उसी ही वर्ल्ड कप में फेल हो गए। सूर्य कुमार यादव, जिनको 360 डिग्री के नाम से जाना जाता है, वो पूरी तरीके से फ्लॉप हुए। मोटे मोटे शब्दों में कहे तो 90 डिग्री भी वो बल्ले नहीं घुमा पाए और रन ही नहीं बना पाए। यही कारण है कि टीम इंडिया से स्काई एंड मिस्टर 360 डिग्री को चुपचाप 1-2 का 4 करने का वक्त आ गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ फाइनल मुकाबले में जब सूर्य कुमार यादव से टीम इंडिया को सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करना ही भूल गए। डर गए, कांप गए, सहम गए, मानो बैटिंग करना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सूर्य कुमार यादव भूल गए। जिनको मिस्टर 360 डिग्री कहा जाता है वो चारों ओर रन बना सकते हैं, वो सूर्य नौसिखिया बन गया और रन नहीं बना पाया। सूर्य कुमार यादव को सीधा बल्ला तक चलाना नहीं आया। इतना ही नहीं, सूर्य कुमार यादव को ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों ने बोल कर आउट किया कि तुम पीछे मारते हो तो चलो पीछे ही आउट करते हैं। सूर्य कुमार यादव ने 18 रन बनाए। अगर सूर्य कुमार यादव रन बनाते या हाफ सेंचुरी लगाते तो शायद फाइनल का नतीजा कुछ और होता, और जो लाखों करोड़ों चेहरों पर मायूसी है वो खुशियों में बदल जाती। ऐसे 360 डिग्री का क्या मतलब जो रन ही नहीं बना पाए, टीम को जीत नहीं दिला पाए। ये बात सच है कि सूर्य कुमार यादव T20 में एक अच्छे बल्लेबाज हैं, लेकिन वनडे में उनकी पोल खुल गई। वो डरते हैं और बड़े मैच में तो फेल हो जाते हैं। सूर्य कुमार यादव ने नाक कटा दी, रोहित को शर्मसार भी करा दिया। रोहित ने सूर्य कुमार यादव के लिए मैनेजमेंट से लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अचानक सूर्य कुमार यादव फेल हो गए। जिस सूर्य ने T20 क्रिकेट में अनोखे शॉट खेले, लेकिन नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बल्ले में जंग लग चुका था। स्काई के लिए एक बात सेट बैठ रही थी, जहां मैटर बड़े होते हैं टीम इंडिया के स्काई जमीन पर होते हैं। सूर्य कुमार यादव ने वर्ल्ड कप 2023 के 7 मैचों की 7 पारियों में 2 बार नाबाद रहते हुए सिर्फ 104 रन बनाए। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में वर्ल्ड कप 2023 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करियर के सबसे बड़े मैच में सूर्य कुमार यादव ने 28 गेंदों में एक चौके की मदद से 18 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 64.29 का था। ये वो स्काई है जिनके बल्ले से मैदान के चारों तरफ रन आते हैं, लेकिन बड़ी और बड़े मैच में ये स्काई जमीन पर गिर गया। बल्ला कहाँ चलाना है, कैसे रन बनाना है, सब कुछ भूल गए। जिस स्काई को सिर पर बिठाया था उसी स्काई ने टीम इंडिया को शर्मसार करवा दिया। ये हाल स्काई का सिर्फ फाइनल में नहीं है बल्कि पूरे वर्ल्ड कप में रहा। जिसको समझा गोला बम वो निकला सुतली बम। वर्ल्ड कप में मिस्टर 360 डिग्री का स्कोर 49 था। ऐसे में बाकी 6 पारियों में उन्होंने कुल मिलाकर 58 रन बनाए, जो कि एक मैच फिनिशर के लिए सबसे शर्मनाक आंकड़े हैं। इसके अलावा उनके वनडे आंकड़े भी खराब हैं। वनडे इंटरनेशनल में सूर्य कुमार यादव के आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने अब तक खेले 37 मैचों की 35 पारियों में 5 बार नाबाद रहते हुए सिर्फ 773 रन बनाए, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 72 रन है। उनका औसत 25.77 का है, जबकि स्ट्राइक रेट 105.03 का है। चार ही अर्धशतक तक इस फॉर्मेट में स्काई जड़ पाए, जबकि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 3 शतक जड़े। 50 पारियों में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने 15 अर्धशतक बनाए, जो दर्शाता है कि T20 क्रिकेट में वो किंग हैं, लेकिन वनडे क्रिकेट में वो अपनी ही गिरफ्त में होते हैं और भारत को इससे नुकसान हो रहा है। सीधे सीधे कहें तो टीम इंडिया की वनडे टीम से अब स्काई की छुट्टी होने वाली है। रिंकू सिंह, संजू सैमसन जैसे युवा खिलाड़ियों को बाहर कर रोहित शर्मा ने स्काई को खिलाया था, लेकिन स्काई ने तो नाक कटवा दी। सूर्य कुमार यादव के इस खराब प्रदर्शन को देखते हुए BCCI की मैनेजमेंट अब उन्हें कभी भी वनडे के स्क्वाड में शामिल नहीं करेगी। इसके साथ ही उन्हें जल्द से जल्द संन्यास के लिए बोला जा सकता है। आपको क्या लगता है, स्काई को वनडे टीम से बाहर करना चाहिए या नहीं?